नमस्कार, आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद एमपी 7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। देखते रहिए प्रदेश स्तर की राजनीतिक हलचल, देखते रहिए मध्य प्रदेश का टॉप वेब न्यूज चैनल, देखते रहिए क्राइम न्यूज, अपराधों का खुलासा, देखते रहिए जिम्मेदारों से वन टू वन चर्चा, देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय ताजा अपडेट। एमपी 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। लगातार देखते रहिए शिवानी धाकड़ के साथ एमपी 7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आपके पास कोई मुद्दा हो जिसे आप एमपी 7 न्यूज के माध्यम से उठाना चाहते हैं तो निम्न नंबर पर संपर्क करें। एमपी 7 न्यूज आपकी बात प्राथमिकता से रखेगा आम जन के बीच। समाचारों को पढ़ने और देखने के लिए www.mp7news.in पर लॉगिन करें। नमस्कार, मैं हूं शिवानी धाकड़, आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद एमपी 7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। देखिए भोपाल की ताजा बड़ी खबरें। भोपाल, मध्य पाकिस्तान में चक्रवर्ती गतिविधियों का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा, इसके कारण कल से प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना बन रही है। अभी तक कोई भी सिस्टम नहीं होने के कारण ठंड ने जोर नहीं पकड़ा है। बीच में अरब सागर में गतिविधियों के कारण ठंड जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन इसके बाद ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी। प्रदेश में 22 जगहों पर तापमान 4 डिग्री से 10 डिग्री तक दर्ज किया गया। 13 जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा 13.2 डिग्री तक पारा गया। इंदौर में 12.5 डिग्री सेल्सियस और भोपाल में 10.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि उमरिया अब भी सबसे सर्द है, यहां रात का पारा 4.2 डिग्री तक आ गया है। भोपाल में जिसको भैया कहती थी मासूम बच्ची, वही हैवानियत पर उतर आया। वो रात भर सिसकती रही, माँ से लिपट कर बोली कि मुझे अपने पास चिपका कर सुला लो, डर लग रहा है। अपनी 6 साल की बेटी को रोता देख जब माँ को समझ नहीं आया कि वह क्यों रो रही, तो पिता ने कोशिश की। उन्होंने पुचकारते हुए पूछा कि बेटा क्या हुआ, अपने पापा को भी नहीं बताओगी? तो उसने पिता को 2 दिन पहले अपने साथ हुई गंदी हरकत की पूरी कहानी सुनाई। यह घटना करौंद इलाके में रहने वाली 6 साल की बच्ची के साथ हुई। उसी के मोहल्ले में रहने वाले 15 साल के लड़के ने न सिर्फ उसके साथ अश्लील हरकत की बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। बच्ची उस लड़के को भैया कहती थी। घटना गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे हुई। उस वक्त बच्ची घर की छत पर मोबाइल फोन में गेम खेल रही थी। तभी मोहल्ले में रहने वाला 15 साल का यह लड़का छत पर पहुंचा, बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने लगा। दर्द हुआ तो बच्ची रोने लगी। लड़के ने उसे धमकाया कि किसी को बताया तो मार डालूंगा। बच्ची के पिता को जब घटना मालूम हुई तो उन्होंने रिश्तेदारों से बात की और अगले दिन शुक्रवार को शाम को बेटी और पत्नी के साथ निषादपुरा थाने जाकर केस दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं भोपाल में गोविंदपुरा पुलिस के अनुसार अन्ना नगर रेलवे पटरी के पास नरेश कुशवाहा रहते हैं। वह और उनकी पत्नी प्राइवेट जॉब करते हैं। उनका बड़ा बेटा 10वीं में पढ़ता है, जबकि 14 साल का बेटा करण कुशवाहा 9वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ाई के प्रेशर में 14 साल के नाबालिग ने 9वीं के एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। माता पिता उसके बड़े भाई की तरह पढ़ाई करने को लेकर उसे कहते रहते थे,
इसके कारण वह मानसिक तनाव में चला गया था। हालांकि पुलिस को मौके से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस अब सुसाइड का कारण पढ़ाई के प्रेशर को मानकर चल रही है। वहीं भोपाल के एक सिपाही का वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। यह पुलिस कर्मी मध्य प्रदेश भोपाल में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद के लिए खड़े होने वाले हैं, जिसको लेकर इलाके में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंगलवारा थाना में पदस्थ सिपाही मुरकम अली भी मौजूद थे। उनके समर्थक उन्हें नौकरी को लात मारकर पार्षद चुनाव में खड़े होने का समर्थन करते नजर आए। समर्थन का कहना है कि हमें ऐसा नेता चुनना चाहिए जिसका पेट पहले से भरा हो और वह सक्षम हो, ताकि वह हमारे काम कर सके। मुरकम इसलिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है, इसीलिए हमें तन मन और धन से उनका समर्थन करना चाहिए। मुरकम मंगलवारा थाने में पदस्थ है। वहीं भोपाल में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस आज भोपाल में सुबह 12 बजे से किसानों के समर्थन में किसान स्वाभिमान मार्च निकालेगा। यह मार्च कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पीसीबी से बोर्ड ऑफिस तक निकाला जाएगा। इसके कारण आज इस रास्ते पर ट्रैफिक हो सकता है। इस कारण दोपहर 11 बजे के बाद इन रास्तों पर जाने से बचे। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बताया कि इससे पहले सुबह 11 बजे भोपाल में युवा समागम आयोजित किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश के युवा शामिल होंगे। इसके बाद अन्नदाता के सम्मान में किसान स्वाभिमान मार्च निकाला जाएगा, जिसका नेतृत्व युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, राष्ट्रीय प्रभारी मीडिया विभाग राहुल राव करेंगे। इस मार्च में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। वहीं बॉलीवुड के दबंग खान, जिनके हाथों का खाना खाकर बड़े हुए वह अख्तर मियां, आज मुफलिसी में है। भोपाल में एक छोटे से कमरे में गुजर बसर करने वाले अख्तर गुड़ बेचकर किसी तरह अपना समय काट रहे हैं। उनकी एक ही तमन्ना है कि इंतकाल से पहले एक बार सलमान बेटे से मिल ले। सलमान खान के अख्तर चाचा को भोपाल में ढूंढ रहा निकाला। आज सलमान खान 55 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर उनसे जुड़ी यादों को अख्तर मियां ने साझा किया। अख्तर मियां कभी सलमान के घर में खान सामा हुआ करते थे। अख्तर मियां बताते हैं कि जब सलमान खान पैदा होने वाले थे, तब वहीं उनकी मां सलमा को मुंबई से इंदौर पलासिया ट्रेन से लेकर आए थे, क्योंकि उस वक्त सलीम खान साहब फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे। वे राइटर बाद में बने, पहले वे एक्टिंग करते थे। सलमान खान के इंदौर में जन्म के बाद उनके जवान होने तक वह उनके साथ रहे। अख्तर भाई कहते हैं कि सलमान खान को इनके हाथ के आलू के पराठे बेहद पसंद थे। फिल्म मैंने प्यार किया की रिलीज तक अख्तर मियां सलमान के साथ रहे। उसके बाद वे भोपाल आए, तब से मुंबई नहीं लौट पाए और यहीं मुफलिसी के दिन काट रहे हैं। सलमान को ये नहीं पता था कि अख्तर चाचा अभी जीवित हैं या नहीं और भोपाल में रह रहे हैं। सलमान खान के साथ फैमिली मेंबर की तरह रहते थे अख्तर मियां। अख्तर मियां ने बताया कि वह बचपन में रायसेन के पास हामिद खां खंडेरे वाले के यहाँ काम करते थे। वह सलमान खान के पिता सलीम खान के बहनोई थे। जब हामिद खां खंडेरे वाले इंदौर में बस गए, तब वह इंदौर से सलीम खान साहब के कहने पर मुंबई चले गए। उस वक्त सलीम खान फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे। अख्तर भाई सलीम साहब के साथ रहने लगे, उनके लिए खाना बनाते व सलीम साहब के घर पर फैमिली मेंबर की तरह रहे। यही नहीं,
सलमान खान की देखरेख की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही थी। अख्तर मियां ने बताया कि भोपाल में उनकी शादी हुई थी। लगातार खबरों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। समाचार और विज्ञापन की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7869349141 पर संपर्क जरूर करें।